आज हम बात करेंगे बेसिकली टर्म टू एग्जामिनेशन इट मीन्स सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन है ये एनुअल एग्जामिनेशन है क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ठीक क्लास सेवेंथ का ये पेपर है विथ uh, सोल्यूशन हम बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम मार्क्स फोर्टी है और ड्यूरेशन दो घंटे का आपका ये पेपर है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थर्टी टू क्वेश्चन हैं ए बी सी डी एंड ई सेक्शंस हैं एक से दस एक अंक का है उसके बाद ग्यारह से बीस भी एक अंक है इक्कीस से छब्बीस टोटल टल दस अंक है और सत्ताईस से बत्तीस तक अंक है इस तरह ये चालीस अंक आपका पेपर है चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए द एडिटिव इन्वर्स ऑफ सेवन बाई फाइव इज एडिटिव इन्वर्स क्या होता है किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो उसके आगे, आगे आप माइनस लगा देंगे जैसे सेवन बाई का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा माइनस सेवन हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स ठीक है तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट काटी यहां पर भी आप देख सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट वन विच पेयर शोज द इक्वलन रेशनल नंबर इक्वलन रेशनल नंबर कौन कौन से थ्री बाई फोर और सिक्स बाई एट ठीक है इसको दोनों से ऊपर नीचे जो से मल्टीप्लाई करिए सिक्स बाई एट आ जाएगा हमारे पास आगे चलते हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर इज वन ट्वेंटी वन स्क्वायर सेंटीमीटर इथ साइड इज ठीक है एरिया क्या है स्क्वायर का अगर एक स्क्वायर की अगर हम बात करें तो एरिया कितना है वन ट्वेंटी वन तो अगर इलेवन इलेवन अगर हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक ठीक है है तो करेक्ट आंसर मीटर यहां पर भी आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं uh, yes. 10 एक है, और उसका जो है आपको बताना है कि uh, क्या होगा अगर डायमीटर हमारे पास हमारे पास सर्कल है दिस इज़ सर्कल और अभी आपको क्या करना है इसका जो डायमीटर दिया गया है वो टेन दिया गया है तो रेडियस कितना हो जाएगा फाइव सेंटीमीटर हो जाएगा अब सर्कम फ्रेस इट मीन्स चारों तरफ की आपकी लेंथ है तो टू पाई आर हो जाएगा ठीक है टू पाई की वैल्यू क्या होता है थ्री पॉइंट वन फोर आर हमारे पास कितना है फाइव इस तरह ये थ्री वन पॉइंट फोर आ जाएगा फाइव टू जे टेन एक डिशिम्बल इधर चला जाएगा तो ये थ्री पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर हमारे पास करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट द करेक्ट आंसर इज थर्टी वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर ठीक है नेक्स्ट वन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन दिस इन दिस कितनी टर्म्स हैं इसमें आप काउंट करिए वन टू थ्री फोर देर आर फोर टर्म्स ठीक है का सी सही है आगे चलते हैं एक्सप्रेस दिस एज द पावर ऑफ फोर यानी टू फिफ्टी सिक्स को पावर ऑफ फोर से मल्टीप्लाई करना है जैसा हमें पता है टू फिफ्टी सिक्स द स्क्वायर ऑफ सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू सिक्स इज इक्वल्स टू फिफ्टी सिक्स ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं फोर का स्क्वायर फोर का स्क्वायर यानी फोर रेस्ट पावर फोर हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर सिक्सटीन का सिक्सथ का ई ऑप्शन करेक्ट है आगे चलते हैं द वैल्यू ऑफ दिस वन इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो टेन रेज पावर ट्वेंटी आप कॉमन कर लीजिए तो हंड्रेड प्लस वन बच्चे का यहाँ पर टेन रेज पावर ट्वेंटी नीचे ही चला ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा आंसर इज वन जीरो वन ठीक है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा सी दैट इज वन जीरो वन ठीक है आगे चलते हैं द एंगल ऑफ रोटेशन इन स्क्वायर इज स्क्वायर का एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है नाइन्टी डिग्री होता है ठीक है स्क्वायर का एंगल ऑफ रोटेशन जो है नाइन्टी डिग्री होता है आगे चलते हैं हाउ मनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री देर आर इन स्क्वायर स्क्वायर में लाइन्स ऑफ सिमिट्री कितनी होती है लाइन्स ऑफ सिमिट्री इज फोर ठीक है डी हो जाएगा नाइन्थ का यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन करेक्ट है, है. आगे चलते हैं अक्रॉस सेक्शन डू यू वॉन्ट टू गेट इफ यू वर्टिकल कट ऑफ ब्रेक अगर ब्रिक को वर्टिकली काट दे तो क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा रेक्टेंगल आ जाएगा ठीक है सेक्शन बी पर आ जाते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे इसको सब करिए सेवन बाई ट्वेंटी फोर माइनस सेवन बाई ट्वेंटी फोर सेवन बाई ट्वेंटी फोर माइनस सेवनटीन बाई थर्टी सिक्स एल सी एम हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर और थर्टी सिक्स का एल सी एम निकालिए ट्वेल्व टू थ्री सिक्स एल सी एम हमारे पास आगे सेवेंटी टू ठीक है सेवेंटी टू ट्वेंटी फोर थ्री या सेवेंटी टू थ्री सेवन जै टी वन और थर्टी सिक्स टू जो सेवेंटी टू और हमारे पास यहाँ सेवेंटी टू जो थर्टी फोर आंसर आ जाएगा माइनस थर्टीन अपॉइन सेवनटी टू ठीक है ये हमारे पास क्या आ जाएगा द करेक्ट आंसर इज माइनस थर्टीन अपॉइन सेवनटी टू ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशन नंबर दिस इज माइनस थ्री बाई फि माइनस फिफ्टीन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा थ्री वन जा वन थ्री फाइव या फिफ्टीन आंसर इज वन बाई फाइव ठीक है ट्वेल्थ का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है सी करेक्ट है आगे चलते हैं द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर द ब्रेथ इज़ फोर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ठीक है पैरामीटर अगर दिया है जो है चौबीस सेंटीमीटर ये देखिए लेंथ फोर दिया है तो जो है हमें पता है फॉमूला क्या होता है टू एल प्लस बी ठीक है तो जो लेंथ आनी चाहिए वो हमारे पास कितनी आनी चाहिए एट आनी चाहिए एट फोर ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर तो एट हमारे पास क्या आनी चाहिए लेंथ आनी चाहिए रेक्टेंगल के पैरामीटर रेक्टेंगल ठीक है ठीक थर्टींथ का डी एट सेंटीमीटर आगे चलते हैं वॉट इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन दिस एक्स का कॉफिशियंट क्या है माइनस फाइव है फॉर्टींथ का जो है माइनस फाइव करेक्ट है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स तीन टर्म्स तो उसको क्या बोलते हैं ट्राइनोमिल बोलते हैं ठीक है क्वेश्चन फिफ्टीन का सी पार्ट सही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा कितनी बार जीरो है वन टू थ्री फोर टाइम्स जीरो फोर तो सी ऑप्शन करेक्ट है सिक्सटींथ का सी आगे चलते हैं माइनस वन ऑर्ड नंबर अगर माइनस वन टू ऑड नंबर है तो वो हमेशा वैल्यू माइनस वन ही आएगी ठीक है तो यहाँ पर सेवनटीन्थ का ए पार्ट करेक्ट है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री देर इन सर्कल सर्कल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है इनफाइनेटली ठीक है अपरमित अनगिनित विच अल्फाबेट हैज़ रोटेशनल symmetry ऑफ ऑर्डर मोर देन वन कौन सी uh, जो है अल्फ़ाबेट की रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा है जेड की है ठीक है नाइनटीन का सी द नंबर ऑफ वर्टिक्स ऑफ क्यूब इज क्यूब्स में कितने वर्टिक्स होते हैं आठ वर्टिक्स होते हैं आठ कोने होते हैं आगे चलते हैं सेक्शन सी पर द सम ऑफ नीचे आ जाते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट द सम ऑफ वन बाई थ्री एंड द एरेटिव इनवर्स ऑफ टू बाई सेवन टू बाई सेवन का एरेटिव इनवर्स माइनस टू बाई सेवन का टू बाई सेवन हो जाएगा और इसमें वन बाई थ्री आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन सेवन वन जै सेवन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन थ्री टू सिक्स यानी थर्टीन अपॉन ट्वेंटी वन जो है हमारे पास आ रहा है तो आंसर जो है आ जाएगा हमारे पास थर्टीन अपॉन ट्वेंटी वन आगे चलते हैं फाइंड द पैरामीटर ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर होज पैरामीटर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर उस जो है स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसका पैरामीटर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर हो पैरामीटर अगर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर हो स्क्वायर का तो चूंकि हमें पता है साइड इंटू फोर होता है क्या पैरामीटर बराबर ट्वेंटी फोर तो साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी सिक्स आ जाएगी अगर किसी स्क्वायर की साइड अगर सिक्स है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा साइड इंटू साइड सिक्स इंटू सिक्स दैट इज़ थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर तो ट्वेंटी टू का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है चलिए आगे चलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन फाइव एन स्क्वायर माइनस टू वेर एन इज माइनस टू अगर एन की वैल्यू हमारे पास माइनस टू है तो आ, क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी तो अगर माइनस टू माइनस टू करेंगे तो प्लस का फोर आ जाएगा तो फाइव फोर जो ट्वेंटी माइनस टू दैट इज द एटीन ठीक है ट्वेंटी थ्री का एटीन यहाँ पर आप देख सकते हो करेक्ट है टू रैशनल नंबर बिटवीन माइनस टू एन माइनस वन माइनस टू और माइनस वन के बीच दो रैशनल नंबर आपको निकालने हैं तो आप क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर लिख लीजिए माइनस वन एंड माइनस टू माइनस वन माइनस टू एंड माइनस वन दो है इसको आप ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई करिए ठीक है हमारे पास क्या आ गया माइनस फोर अपॉइन्ट टू इसको भी ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई करिए माइनस टू अपॉइंट टू इसके बीच में कौन सी वैल्यू है अगर इसके बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस थ्री बाई टू एक वैल्यू है तो इन दोनों जो है नंबर्स के बीच अगर हम देखें तो माइनस टू और माइनस वन के बीच जो फ्रैक्शन है जो रैशनल नंबर है वो माइनस थ्री बाई टू है ठीक है इज इट क्लियर टू यू चलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं तो इसके बीच कितना है इसके बीच हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ द माइनस थ्री बाई टू ठीक है आगे चलते हैं कंस्ट्रक्ट आ ट्राइंगल ऑफ दिस ए सिक्सटी बी इज थर्टी डिग्री एन ए बी इज फाइव पॉइंट एट सेंटीमीटर ठीक है ये कंसेप्ट आपको ट्रेंगल एक बनाना है आगे चलते हैं फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस पहले इसका इसका सम कर लीजिए आप ठीक है फोर प्लस थ्री एक्स ठीक है फाइव माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर इसका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ आ गया नाइन यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स टू एक्स स्क्वायर ठीक है आप इसका इसका सम कर लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस टू एक्स ठीक है जो सेम सेम पावर्स को एक साथ रखना होता है ठीक है तो यहाँ फोर एक्स स्क्वायर आ गया फाइव से फाइव कैंसिल टू एक्स आ गया ठीक है अब इन दोनों को फिर से जो है आप क्या करिए सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको नाइन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर ये पहली टर्म है दूसरी टर्म क्या आ जाएगी माइनस का अब ये इस, इसको माइनस करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस को टू एक्स आ जाएगा नीचे का साइन चेंज हो जाएगा सभी का यहाँ पर माइनस का फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा ठीक है तो क्या आ जाएगा हमारे पास नाइन माइनस थ्री एक्स और माइनस का टू एक्स स्क्वायर ठीक है ये हमारे पास करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट वन वी हैव टू मूव द नेक्स्ट वन ठीक है इसको आपको दोनों को ऐड करके जो है जब दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो देन यू हैव टू सब्ट पहले इसको स्क्वाइड कर लीजिएगा फिर इसको स्क्वाइड कर लीजिएगा फिर दोनों वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा एक दूसरे से ठीक है सेक्शन डी पर आ जाते हैं सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन यहाँ आ जाइए नीचे ठीक है यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पर आते हैं यहाँ पर भी अ लाइट ईयर इन डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन वन ईयर ठीक है लाइट ईयर क्या होता है एक साल में जो लाइट कितना ट्रेवल कर सकती है फाइंड द अ लाइट ईयर इज वॉट अब इसमें कितनी स्टैंडर्ड uh, फॉर्म में अगर हम लिखें तो यहां से काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व यानी नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन रेस्ट ट्वेल्व लिखें तो ये इसके बराबर होगा ठीक है तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन ट्वेल्व लिखते हैं ठीक है आगे चलते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ होज रोटेशन इज़ फोर्टी फाइव डिग्री रोटेशन एंगल अगर हमारे पास दिया रहता है तो रोटेशन सिमेट्री हम निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं आप क्या करिए अगर एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ है फोर्टी फाइव दिया हुआ है एंगल कितना दिया हुआ है फोर्टी फाइव दिया हुआ है तो थ्री सिक्सटी डिग्री अपॉन फोर्टी फाइव करिए फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव फाइव सेवन जो थर्टी फाइव टू जा टेन नाइन एट जा सेवेंटी टू तो यहाँ पर जो रोटेशन सिमेट्री है हमारे पास कितनी आ जाएगी एट आ जाएगी आठ आ जाएगी ट्वेंटी एट का यहाँ आप देख सकते हैं कि एट जो है वो करेक्ट है ठीक है आगे चलते हैं कंसेप्टे ट्राइंगल ए बी सी ए बी एस फाइव सेंटीमीटर बी सी सिक्समीटर ए सी सेवन सेंटीमीटर ठीक है ऐसे आपको एक ट्रैंगल बनाना है ठीक है यू हैव टू ड्रॉ योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर थर्टी द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज दिस द लेंथ ऑफ वायरस इज दिस हाउ मेनी टाइम्स द बैक्टीरिया इज लार्जर देन वायरस ठीक है तो आप पहले दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे ठीक है जैसे ही आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे यहाँ पर हाँ तो फोर पॉइंट टू टेन रेज पावर क्या जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 6 आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस सिक्स आ जाएगा ठीक है इसी तरह आप इसको करिएगा नीचे वाले को तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टू पॉइंट वन टेन रेज पावर माइनस टेन आ जाएगा ट्वेंटी वन टू डेम्बल से डेसिमल कर जाएगा यहाँ टू आ जाएगा और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी पावर सभी को पता होना चाहिए कि पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाती है तो टेन टू पावर माइनस सिक्स प्लस टेन कितना आ जाएगा टेन टू पावर फोर यानी टू ट्वेंटी थाउजेंड जो बैक्टीरिया है वो कितना बड़ा है ट्वेंटी थाउजेंड टाइम्स बड़ा है एज़ कंपेयर टू द वायरस क्लियर है आगे चलते हैं ठीक है आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट यस मैच द नेट्स विद अप्रोप्रिएट सॉलिड्स ठीक है तो यहाँ पर ये इसको मैच करेंगे ये सम्भाव लाइक दिस वन अगर खोलते हैं तो ऐसा आएगा शंकु को अगर खोलते हैं तो ऐसा आएगा यानी कौन को खोलते हैं और प्रिज्म को खोलते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा ठीक है इस तरह आपको मैच करना था आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू राधा है सर्कुलर कार्ड सीट ऑफ रेडियस दिस ठीक है पूरे सर्कुलर कार्ड सीट की रेडियस कितना है फोर्टीन इसी रिमूव टू सर्कल्स ऑफ दिस एंड दिस और एक रेक्टेंगल उसने रिमूव किया है जो कि थ्री और वन सेंटीमीटर का है ठीक है रिमेनिंग एरिया कितना बचा तो जो रिमूव एरिया है दो सर्कल्स पहले एक सर्कल का एरिया निकालिए सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर ठीक है पाई बाईस बटे सात लेना है यहाँ दिया गया है और आर हमारे पास कितना है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सेवन फाइव से थर्टी फाइव ज़ीरो पॉइंट फाइव और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वन आ जाएगा इन थ्री फाइव तो इसको मल्टी इलेवन फाइव जो फिफ्टी फाइव इलेवन थ्री थर्टी थ्री फाइव थर्टी एट ये एक सर्कल का एरिया आ गया अब इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो सर्कल का एरिया आ जाएगा टू फाइव जो टेन टू एट जा सिक्सटीन सेवनटीन और टू थ्री जाँ सिक्स वन सेवन सेवन क्या आ गया दोनों सर्कल्स का एरिया आ गया टू सर्कल्स अब क्या बचा हमारे पास एक रेक्टेंगल बचा है रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए यहाँ पर इसे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे आप थ्री इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ वन दैट इज द थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अब इसको जोड़ लीजिए इसमें तो एट्टी सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास वॉट एट्टी सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास क्या टोटल एरिया जो हमें निकालना है जो हमें हटाना है ठीक है अब क्या करना है टोटल एरिया निकालिए इसका सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर आर हमारे पास क्या है फोर्टीन दिया है बड़े वाले उसका सर्कल का तो फोर्टीन इंटू फोर्टीन सेवन टू जा फोर्टीन ट्वेंटी फोर्टी फोर इंटू फोर्टीन ठीक है मल्टीप्लाई करिए फिफ्टी सिक्स ठीक है फाइव बचा फिफ्टी सिक्स सिक्सटी वन हो गया सिक्सटी वन माइनस एट्टी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास सिक्सटीन माइनस सिक्स आ गया एलेवन में से एट गया थ्री आ गया यहाँ बचा फाइव थर्टी सिक्स आंसर आना चाहिए करेक्ट यस yes, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं द करेक्ट आंसर इज वॉट फाइव थर्टी सिक्स जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इज इट क्लियर कैसे करना था इन दोनों सर्कल्स को पहले निकालिए और इसका निकालिए इन तीनों को आप जोड़ लीजिए और बड़े वाले सर्कल के एरिए से उसको सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तब हमारे पास रिमेनिंग सीट्स जो है वो आ जाएगी तो ये बच्चों क्लास सेवन्थ का मैथमेटिक्स का पेपर था विथ सल्यूशन हमने आपसे डिस्कस किया दिन अफ फॉर दिस वन थैंक यू